अमिताभ बच्चन और संजू बाबा की वजह से बॉलीवुड के अना बन गए सुनील शेट्टी। अमिताभ बच्चन और संजू बाबा की वजह से बॉलीवुड के अना बन गए सुनील शेट्टी। 1992 में आई फिल्म बलवान से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर सुनील शेट्टी को आज पूरा बॉलीवुड अना के नाम से जानता है। सुनील शेट्टी आज भी इंडस्ट्री के सबसे फिट एक्टर माने जाते हैं। सुनील शेट्टी ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। सुनील शेट्टी हाल ही में फिल्म द जेंटलमैन में नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खा कमाल नहीं कर सकी। सुनील शेट्टी 2010 के बाद बॉलीवुड की ज्यादा फिल्मों में नजर नहीं आए। भले ही वह फिल्मों में नहीं है, लेकिन होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फैशन बुटीक चलाकर वे हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सुनील शेट्टी को आज पूरा इंडस्ट्री अना के नाम से जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका ये नाम किस तरह पड़ा? एक इंटरव्यू के दौरान सुनील शेट्टी ने अपने नाम के पीछे की कहानी बताई थी। सुनील ने बताया था कि जब वे 2002 में फिल्म कांटे की शूटिंग कर रहे थे, तो उस दौरान सेट पर उन्हें अन्ना नाम दिया गया। इस फिल्म में सुनील शेट्टी के साथ अमिताभ बच्चन और संजय दत्त भी थे। शूटिंग में ब्रेक के दौरान संजू बाबा ने उन्हें बार बार अन्ना बुलाना शुरू कर दिया। संजय की माने तो सुनील बड़ो जैसा बिहेवियर करते हैं। इसके बाद तो मानो अमिताभ बच्चन से लेकर फिल्म के दूसरे एक्टर भी सुनील को सिर्फ अना ही कहकर पुकारने लगे। सुनील ने बताया था कि मेरे लिए तो अब यह मेरा पहला नाम हो गया है। बॉलीवुड में मेरे करीबी मुझ सुनील से नहीं बल्कि अना करके ही पुकारते हैं। यहां तक कि जब वे किसी प्रोग्राम में भी जाते हैं तो लोग उन्हें अना ही कहते हैं।